वो कौन सा एक सप्लीमेंट है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है? वो है विटामिन डी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा। चलिए बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को सनशाइन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन या चमड़ी तब बनाती है जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। उसे एडिक्वेट मात्रा में विटामिन डी बनाने के लिए हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी बॉडी को 15 से 20 मिनट डायरेक्ट सनलाइट में, हफ्ते में कम से कम 5 दिन बिना सनस्क्रीन के, जहाँ पे हमारी टांगे बाजू मोस्टली सूरज को एक्सपोज हो, उनको इतने टाइम तक रखना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और बहुत से लोग कर नहीं पाते हैं, इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो चुकी है। इसलिए उसके लेवल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब ये देखते हैं कि विटामिन डी का हमारी बॉडी में क्या रोल है। नंबर वन, बोन हेल्थ। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। नंबर टू, इम्यूनिटी। विटामिन डी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, मतलब हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखने में इसका बहुत रोल है। नंबर थ्री, गट माइक्रोबायोम, यानी कि जो हमारे पेट के अंदर एक सूक्ष्म जीवियों की दुनिया है, जो हमारे हमें हेल्दी रखती है, विटामिन डी उसके लिए भी बहुत जरूरी है। नंबर फोर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कहीं ना कहीं इन सब बीमारियों का कनेक्शन एक एडिक्वेट विटामिन डी लेवल से पाया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल हेल्थ में भी विटामिन डी का रोल है। तो क्या सिम्टम्स हैं विटामिन डी लो होने के? विटामिन डी लो होने के बहुत ही वेक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि थकान, बॉडी एक, वीक बोन्स होना जो इजिली फ्रैक्चर हो जाएं, लो इम्यूनिटी, इवन डिप्रेशन भी विटामिन डी का, लो विटामिन डी का साइन हो सकता है। नॉर्मल विटामिन डी लेवल्स कितने होने चाहिए? 30 टू 50 नैनोग्राम्स पर ml। आप विटामिन डी लेवल्स को कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं? या तो आप उसे ओरली ले सकते हैं कैप्सूल या सैशे के फॉर्म में, या उनको आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपके लेवल्स बहुत लो है और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस भी हैं, तो बेटर है कि आप उन्हें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में दीजिए। अगर आपके लेवल्स नॉर्मल हैं, आप उन्हें मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप महीने में एक बार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का सेशे ले सकते हैं। कुछ लोग 2,000 इंटरनेशनल यूनिट के टैबलेट्स भी रोज लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लेवल्स लो हैं और आपको उनको एक नॉर्मल लेवल तक लाना है, तो आपको हफ्ते में एक से दो बार भी टैबलेट 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की लेनी पड़ सकती है कुछ हफ्तों के लिए, और उसके बाद आप उनको महीने में एक बार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लेकर मेंटेन कर सकते हैं। तो विटामिन डी अगर आप कितनी बार आपको टेस्ट कराना चाहिए, आपको एटलीस्ट 6 मंथ से एक साल के बीच में एक बार इसे जरूर टेस्ट करवाना चाहिए। जब विटामिन डी की बात कर रहे हैं, तो एक बात बहुत जरूरी है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये बॉडी में जमा हो सकता है। इसलिए जब आप विटामिन डी की टैबलेट्स ले रहे हैं, आपको हाइपर विटामिनोसिस के चांसेस हो सकते हैं, जिसके कि सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक, रीनल स्टोन्स वगैरह वगैरह। तो अगर आप विटामिन डी लेवल्स ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप अपने लेवल्स चेक कराते रहे, और अगर नहीं ले रहे तो भी अपने लेवल्स चेक कराएं और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जरूर लें। इसका खाने के द्वारा मिलना बहुत मुश्किल है और विटामिन डी लेवल्स बहुत लोगों में कम पाए जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हर एक इंसान विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जरूर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।